पृथ्वी वो हमारे एक भगवान की तरह हैं, वो हम लोगों को जिस चीज़ की हमारी डिमांड होती है वो पूरी करते हैं। हमने कभी उनसे कहा मैं ठंड लग रही है गर्म कपड़े आ गए, उन्होंने कहा रजाई चाहिए रजाई आ गई, गद्दे चाहिए गद्दे आ गए, खाने के लिए हमने जो चीज़ कहा वो हमारे लिए आई। मार्केट में बाद में आती है, पहले हम लोगों को फल आ जाता है। उन्होंने जो अपना सोचा समझा होगा वो करा होगा, पर हम लोगों के लिए तो एक तरह के भगवान है वो। हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान उन वो हमें हमारी डिमांड पूरी करते रहते हैं। अभी है ना लाइट, अभी लाइट गई हुई थी, इन्वेटर हमारे ख़राब हो गए थे, हम परेशान हो गए थे। हमने एक दिन कहा बाबू जी हम परेशान हैं गर्मी, दो घंटे बाद ही यहाँ पे टेम्पो आ गया, 10 इन्वेटर लगे, बड़ा मीटर लगा, पूरे आश्रम में लाइट ही लाइट हो गई। अब हमको नहीं पता कब लाइट जाती है कब आती है। उद्योगपति और शिक्षाविद द्वारा सरकार को 600 करोड़ रुपए दान देने की चर्चाएं प्रक्रिया शुरू। मुरादाबाद के उद्योगपति और शिक्षाविद डॉक्टर अरविंद गोयल ने अपनी 600 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार को दान देने की घोषणा के बाद से वो देश प्रदेश में चर्चाओं में आ गए हैं। अरविंद गोयल पिछले लगभग 5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में काम करते आए हैं और गरीबों में बड़े पैमाने पर दान देने में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई अन्य प्रदेशों में भी इनकी संस्था के द्वारा 100 से अधिक स्कूल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर अरविंद गोयल कई बड़े मंचों से सम्मानित भी हो चुके हैं। इनके द्वारा बहुत सारे वृद्धा आश्रमों में भी नियमित रूप से हर प्रकार सहायता करने का सिलसिला जारी है। आज हमने मुरादाबाद के मिलन विहार स्थित वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से अरविंद गोयल के विषय में बात की तो वो लोग उन्हें अपना भगवान कहकर संबोधित करने लगे और जब उनसे 600 करोड़ रुपए दान देने के विषय में पूछा गया तो कहने लगे कि वो है ही ऐसे, उन्हें ईश्वर देता है, उनके ऊपर इतने बड़ों का आशीर्वाद जो है। हालांकि डॉक्टर अरविंद गोयल खुद या उनके परिवार के किसी सदस्य ने कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं बताया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए उनकी तरफ से एक 5 सदस्य कमेटी बनाई जा रही है जिसमें 3 सदस्य उनके टीम के होंगे और 2 सदस्य सरकार के रखे जाएंगे। ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक न्यूज इंडिया की टीम जब डॉक्टर अरविंद गोयल के घर पहुंची तो वहां पर परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं मिल सका। हालांकि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने ये जरूर कहा कि वो यहां पर कम ही आते हैं। मुझे 5 साल। अच्छा, गोयल जी आते थे? आते हैं। कैसी इंसान है? बहुत अच्छे हैं। अच्छे क्या, अच्छे में अच्छे हैं। अगर हमारे ऐसे बेटे भी नहीं जैसे वो गोयल साहब हमारे लिए हैं, एक बेटे से भी बढ़ के बेटे हैं हमारे। अच्छा, इन दिनों अखबारों में खबर छप रही है, क्या आपने क्या सुना है? सुना कि मतलब 600 करोड़ मतलब दान कर दिया उन्होंने, तो चलो अच्छा है कर दिया उनका जस है। हम लोगों के लिए दान करते हैं तो अगर उन्होंने सरकार को कर दिया तो कोई भेजा तो करा नहीं है, कोई बात नहीं। क्या कहोगे उनके लिए आप? अच्छा कहेंगे कि हमारे बहुत अच्छे हैं, राजा है वो। जब जैसे हरिचंद राजा ने दान किया था, सब कुछ भगवान के नाम पर छोड़ दिया था, ऐसे उन्होंने छोड़ दिया। क्या कोई उन्होंने बुरा तो किया नहीं, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। भगवान और देगा उन्हें, और भगवान के हाथ में है वो तो सब कुछ। मेरा नाम है शिवदेही। शिवदेही कब से हो यहाँ पे आप? मैं मुझे हो गए 10-11 साल से भी ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे गोयल साहब आते हैं? हैं? गोयल साहब आते हैं यहाँ पे? हाँ, हमें सब दे जाए, कपड़े भी दे जाए, खाने को भी दे जाए, और देखो दोनों हाथ टूटे हुए हैं, उन्होंने बेचारों ने पैसे दिए, इलाज करवाया है हमारा, देखो गांठ निकली हुई है। वे तो हमारे बेटा से भी ज़्यादा बेटा, वे तो हमारे बेटा से भी ज़्यादा बेटा, हम कानों से भी बहरे हो रहे हैं। और देखो सब चीज़ उनकी है, लगा कुर्सियों से मेज़ों से सब चीज़ उनकी है। टीवी लगवा दिया, बुढ़ियों का जी लगेगा जाओ मैं आन के, मोटर वोटर सब लगवा दिया उन्होंने, उनकी माया है सिकरी। अरमन गोय हमारे बेटा हैं।